हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी कहानी एक अनाथ लड़की के बारे में है जो अपने भाई को बचाने के लिए एक शैतान क्वीन का सामना करती है। तो चलिए देखते हैं उसकी स्ट्रगल से भरी जर्नी को, और प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो एक नरेशन हमें एक स्नो क्वीन के बारे में बताती है जिसने दुनिया को फ्रीज कर दिया है और इससे लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है। तब वैगर्ड नाम के विजर्ड ने एक मैजिकल मिरर बनाया जिसमें कोई भी इंसान अपनी ट्रू सेल्फ देख सकता था, और स्नो क्वीन को लगा कि इससे उसका कर्ज खतरे में पड़ जाएगा। वो वैगर्ड को पकड़ने के लिए अपने विंड मोस्टर को भेजती है, लेकिन वैगर्ड किसी तरह बचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ और बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। उसकी वाइफ बच्चों को एक स्टोर रूम में छुपा देती है और हम देखते हैं कि उसका मैजिकल मिरर उसके बेटे के पास गिर गया है। जल्दी ही विंड मोस्टर उन तक पहुंच जाता है और वैगट और उसकी वाइफ को घेर लेता है। फिर वो बच्चों को ढूंढता हुआ स्टोर रूम में आता है, लेकिन मिरर की वजह से उन्हें नहीं पकड़ पाता और उसे वहां से वापस जाना पड़ता है। आगे हम स्नो क्वीन को देखते हैं जिसे लगता है कि अब वो वैगट उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, और वो अपने टॉकिंग मिरर से दुनिया का हाल बताने को कहती है। मिरर उसे बताता है कि वैसे तो आपकी पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन वैगर्ड का वंश अभी खत्म नहीं हुआ है और इससे फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तब क्वीन ओर्म नाम के एक ट्रोल को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें वैगर्ड के वारिस को ढूंढ कर लाना होगा। वो उसे एक मैजिकल वायल देती है जो वारिस के पास जाते ही चमकने लगेगी, और इसे तोड़ते ही विंड मॉन्स्टर उन्हें वापस कैसल में ले आएगा। ओर्म भी उसकी बात समझ जाता है और एक वीजल का रूप लेकर निकल पड़ता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहां हम वैगट के बेटे काई को देखते हैं और पता चलता है कि उसे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक है। वो अपनी बहन गर्डा के साथ अनाथालय में रहता है जहां का वार्डन बहुत ही खड़ूस है और बच्चों से जबरदस्ती बहुत काम कराता है। गर्डा के पास लूटा नाम का एक पेट वीजल भी है, लेकिन वो और काई उसे वार्डन से छुपा कर रखते हैं क्योंकि वो एनिमल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इधर ओम भी उन्हें ढूंढता हुआ अनाथालय तक आता है जहां उसकी नजर काई और गर्डा पर पड़ती है, और वो देखता है कि क्वीन की दी हुई वायल चमकने लगी है। उसे लगता है कि शायद वो वारिस काई ही है और वो उसके अकेले होने का वेट करने लगता है। तभी अचानक वार्डन वहां आता है और उसके हाथ काई की पेंटिंग्स लग जाती है। काई के बहुत समझाने पर भी वो उन्हें जला डालता है और कहता है कि इससे तुम्हारा फ्यूचर नहीं बदलने वाला। काई को ये देखकर बहुत दुख होता है, और तभी उसे ओम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि यहाँ तुम्हारी आर्ट की कोई कदर नहीं करेगा और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ तुम अपने लिए बहुत नाम कमा सकते हो। काई भी पहले तो एक बोलने वाले वीजल को देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये वीजल ठीक कह रहा है और वो उसकी बात मान जाता है। तभी हम गर्डा को वहाँ आते हुए देखते हैं और वो छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। काई भी गर्डा की एक पेंटिंग को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ओम देखता है कि वाइल ने चमकना बंद कर दिया है। चेक करते हुए वो पर्दे की ओर घूमता है जहां पर गर्डा छुपी हुई थी, और तभी वो वाइल फिर से चमकने लगती है। गर्डा बाहर उन्हें रोकने आती है, और इसी चक्कर में वैगर्ड का मैजिकल मिरर बाहर आ गिरता है जिसमे झांकते ही ओम अपने असली रूप में आ जाता है और वाइल उसके हाथ से छूट जाती है। उसके टूटते ही विंड मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाता है और उन सबको उड़ाकर अपने साथ कैसल की ओर ले जाने लगता है। गर्डा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, और इसी चक्कर में और मोरवो नीचे गिर पड़ते हैं और मॉन्स्टर काई को अपने साथ ले जाता है। गर्डा ओम पर बहुत नाराज होती है और पूछती है कि बताओ वो मॉन्स्टर मेरे भाई को कहां लेकर गया है। ओम ये जानकर हैरान हो जाता है कि वैगट की एक बेटी और भी है, और बताता है कि मॉन्स्टर काई को लेकर स्नो क्वीन के पास गया है। गर्डा उसे इसका कारण पूछती है, और ओम झूठ बोलता है कि क्वीन को आर्टिस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उसे भी बहलाकर क्वीन के पास ले जाना चाहता है, और गर्डा भी बिना कुछ सोचे उसकी बात मान जाती है। आगे वो सब एक गार्डन में आते हैं और देखते हैं कि इतनी ठंड में भी वहाँ काफी हरियाली है। तभी गार्डन की केयर टेकर रोजी वहाँ आती है, और उसे लगता है कि ये शायद उसकी फ्लावर्स को चुराने आए हैं। गर्डा इसके लिए उससे माफी मांगती है, और रोजी देखती है कि उसके हाथ लगाते ही फ्लावर्स फिर से खिल गए हैं, और ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो गर्डा को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो फ्लावर्स उगाने में उसकी मदद करे तो वो उसे ढेर सारे पैसे देगी, लेकिन गर्डा इसके लिए मना कर देती है। रोजी भी एक शर्त पर उसकी बात मान जाती है कि जाने से पहले उसे एक कप चाय पीनी होगी, लेकिन ओम देखता है कि रोजी चाय में कुछ ड्रग्स मिला रही है। वो गर्डा को इस बारे में वॉर्न करता है, और गर्डा रोजी से तुरंत उन्हें छोड़ने को कहती है।
तभी वो देखते हैं कि रोजी ने अपने मॉन्स्टर प्लांट को बुला लिया है और वो लोग उससे बचकर भागने लगते हैं। रोजी प्लांट पर बैठकर उनका पीछा करती है और एक बेल से गड्ढा को पकड़ लेती है, लेकिन ओम तुरंत गार्डन का दरवाजा बंद कर देता है जिससे रोजी उनका पीछा नहीं कर पाती। आगे हम विंड मॉन्स्टर को देखते हैं जो काई को लेकर कैसल तक पहुंच चुका है और वहां उसका सामना स्नो क्वीन से होता है। क्वीन को लगता है कि ट्रोल ने अपना काम कर दिया है और वो काई को दिखाती है कि कैसे मेरे दुश्मन फ्रीज हुए पड़े हैं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर वो काई को अपने मिरर के पास लाती है, लेकिन मिरर उसे बताता है कि वैगट का असली वारिस तो कोई और है और ये सुनकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। वो काई से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई और भी भाई बहन है, लेकिन काई इससे इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस दुनिया में एकदम अकेला हूँ। क्वीन समझ जाती है कि वो उसे पागल बना रहा है और तभी उसकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें उसकी बहन गर्डा की तस्वीर है और कहती है कि अब मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इधर गर्डा और ओम चलते हुए एक केव के पास आते हैं और ओम बताता है कि ये मेरे ट्रोल क्लैन का बर्थ प्लेस है। वो बताता है कि कैसे एक टाइम पर यहाँ हजारों ट्रोल्स रहते थे, लेकिन स्नो क्वीन ने उन्हें करप्ट बना दिया और वो एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। कहा जाता है कि उनकी सोल्स यहाँ एक लेक में कैद है और जो कोई उसमें झांकता है वो भी इस कर्स का शिकार हो जाता है। ये कहकर वो गड्ढा से आगे जाने को कहता है और बताता है कि मुझे कुछ देर अपनी फैमिली को याद करना है। तभी स्नो क्वीन उससे कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि तुम्हें काई की बहन को भी ढूंढना होगा। इस पर रोम कहता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही वो आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन क्वीन उसे वॉर्न करती है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली की तरह गायब कर दूंगी। आगे वो गड़ा को लेकर एक ब्रिज क्रॉस करने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में गड़ा की नज़र उस लेक पर चली जाती है। वहाँ उसे काई दिखाई देता है जो उसे अपने दोस्तों को मारने के लिए कहता है, लेकिन गर्डा पर इस कर्स का कोई असर नहीं होता और वो ओर्म को खींचकर ऊपर ले आती है। ओर्म को विश्वास नहीं होता कि आखिर उसने इस कर्स को कैसे तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि अभी उन पर एक और मुसीबत आने वाली है। कर्स के टूटते ही वो जगह ढहने लगती है, लेकिन ये सब किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। आगे उनका सामना एक बूढ़े किंग से होता है जो अपने बेटे और बेटी से बहुत परेशान है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि उनके डैड अब राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हैं। किंग गुस्से में पैलेस को जलाने की सोचता है जिससे वो और उसके बच्चे खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन गर्डा एडवाइजर की मदद से उन्हें बचा लेती है। उसके बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और किंग खुश होकर गर्डा को एक स्लेह गिफ्ट करता है। रास्ते में ओर्म उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि कैसे वो खुद भी स्नो क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी उन्हें सामने एक लेडी नजर आती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक पायरेट गैंग की मेंबर है और वो उन्हें पकड़कर अपने शिप पर ले आते हैं जो कई सालों से समुद्र में जमा पड़ा है। यहाँ वो अल्फिदा नाम की गर्ल पायरेट से मिलते हैं जो असल में कैप्टन की बेटी है और वो उनसे पूछती है कि तुम आखिर इस जगह पर क्या कर रहे हो। गर्डा उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो स्नो क्वीन को रोकने जा रही है, लेकिन अल्फिदा कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी और बेहतर है कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ क्योंकि वैसे भी मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। फिर अल्फिदा उसे अपने प्लान के बारे में बताती है कि कैसे वो एक नया शिप बनाने वाले हैं और इससे उनकी पायलट लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी। इस पर गर्डा कहती है कि शिप बनाने से तुम्हें क्या ही फायदा होगा क्योंकि समुद्र तो वैसे भी पूरा जमा पड़ा है। अल्फिदा भी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें गर्डा को छोड़ देना चाहिए। उसकी मॉम भी ये सोचकर मान जाती है कि क्या पता ये लड़की सच में स्नो क्वीन को हरा दे क्योंकि उससे ये समुद्र फिर से ठीक हो जाएगा और वो अपने पायरेट वाले काम को फिर से कर सकेंगे। जाने से पहले वो उन्हें एक रेंडियर गिफ्ट करती है और गर्डा और उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर स्नो कैसल में आता है जहाँ काई ने स्नो क्वीन की एक पेंटिंग बनाई है। स्नो क्वीन उसके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन कहती है कि अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाऊंगी और ये कहकर काई को फ्रीज कर देती है। इधर गर्डा और उसके साथी एक विच के पास आते हैं जो सेंस करती है कि गर्डा के पास एक मैजिकल मिरर है और बताती है कि ये लोगों को उनके अंदर की सच्चाई दिखाता है और इसीलिए स्नो क्वीन इसका सामना नहीं करना चाहती।
यहाँ वो स्नो क्वीन के पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो इर्मा के नाम से पैदा हुई थी, लेकिन बचपन से ही उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी जिससे लोगों को डर लगने लगा था और इसीलिए उन्होंने इर्मा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो उसे एक विच समझते थे। दुखी होकर एक दिन इर्मा ट्रोल्स की केव में आई और लेक गांव से विश मांगी कि काश उसके सारे दुश्मन फ्रीज हो जाए, लेकिन नफरत से उसका दिल कमजोर हो चुका था और इसी वजह से डार्क पावर ने इर्मा की सोल पर कब्जा कर लिया और इससे वो स्नो क्वीन में बदल गई। आगे वो गर्डा को एक एडवाइस देती है कि मिरर ही तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखा सकते हैं और इसी से तुम्हें स्नो क्वीन से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। फिर वो उन्हें एक बोट देती है और कहती है कि ये तुम्हें सीधा कैसल तक ले जाएगी और गर्डा और उसके साथी उसे लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ओम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे गर्डा को स्नो क्वीन के पास नहीं ले जाना चाहिए और वो उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गर्डा उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी एकदम कायर हो। और ये कहकर वो और लूटा अकेले ही कैसल की ओर चले जाते हैं। अंदर उसे फ्रीज पड़ा हुआ काई नजर आता है और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। तब ओम उसे बताता है कि ये इस तरह नहीं उठ पाएगा और गर्डा उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी वो लोग स्नो क्वीन को आते हुए देखते हैं और गर्डा उसे अपने भाई को होश में लाने को कहती है। इस पर स्नो क्वीन कहती है कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी अपनी फैमिली की तरह फ्रीज होने वाली हो। ओर्म को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि मेरे होते तुम गर्डा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि गर्डा और उसके भाई को यहाँ से वापस जाने दो। क्वीन कहती है कि लगता है तुम दोनों फ्रेंड्स बन चुके हो, लेकिन क्या गर्डा जानती है कि तुम उसे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो। वो गर्डा से कहती है कि ट्रोल कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते और तुम्हें इस धोखेबाज से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर वो अपने स्नो जायंट्स को समन करती है जिनके साथ कुछ आइस ट्रोल्स भी हैं और वो गड्ढा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओम उन्हें ऐसा नहीं करने देता और वो उनसे बचकर भागने लगते हैं। जायंट्स के अटैक से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ओम गड्ढा से मिरर रूम में जाने को कहता है। फिर आइस ट्रोल से बचने के लिए वो एक पोलर बियर के रूप में आता है और एक एक करके उन ट्रोल्स और जायंट्स को नष्ट करने लगता है। तभी उसे रोकने विंड मॉन्स्टर वहां आता है, लेकिन ओम के पंच का सामना नहीं कर पाता और टूटकर बिखर जाता है। इधर गर्डा क्वीन के मिरर के पास आती है और देखती है कि क्वीन की सारी पावर उसी से आ रही है। फिर हम उसे उसके अंदर जाते हुए देखते हैं जहां उसका सामना स्नो क्वीन की डार्क पावर से होता है। वो उसके हार्ट को फ्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन गर्डा देखती है कि उसकी फैमिली स्पिरिट्स उसे हिम्मत देने आई हैं और उसे बताती हैं कि ये मिरर को यूज करने का सही टाइम है। स्नो क्वीन भी उसे खड़ा होते देख बहुत हैरान होती है और तभी गर्डा अपना मैजिकल मिरर निकालती है जिसमें झांकते ही स्नो क्वीन फिर से इर्मा के रूप में आ जाती है और कहती है कि अगर मैं मारी गई तो ये लड़की भी जिंदा नहीं बच पाएगी। गर्डा भागकर इर्मा को गले से लगा लेती है और उसके प्यार और कंपैशन की पावर से इर्मा एक बार फिर नॉर्मल हो जाती है। स्नो कैसल भी टूटकर नष्ट हो जाता है और ओर्म भी अपने ट्रोल रूप में वापस आ जाता है। फिर इर्मा की हेल्प से वो काई को होश में लेकर आते हैं और देखते हैं कि बाहर भी स्नो मेल्ट होना शुरू हो गई है। आगे वो इर्मा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।